नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति, और आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां थाना जैथरा क्षेत्र के गांव दतौली में एक बालिका की निर्मम हत्या के बाद उसका शव एक बोरी में मिला था। इस मामले में बालिका के गायब होने पर उसके पिता हृदयेश गुप्ता, पुत्र राधेश्याम गुप्ता द्वारा थाना जैथरा पर देर रात्रि सूचना दी गई कि उनकी 3 वर्षीय पुत्री प्रातः 9 बजे से लापता है। काफी तलाश करने पर वह नहीं मिली, और इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना का मात्र 5 घंटे में ही अनावरण किया गया। लापता बच्ची का शव और हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा व बोरी अभियुक्तगढ़ की निशानदेही पर बरामद करते हुए घटना में संलिप्त सभी 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। देखिए एटा से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला है? थाना जैथरा क्षेत्र में हृदयेश गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने अपने 3 साल की बच्ची को कल सुबह 9:30 बजे के बाद घर से लापता होने के संबंध में सूचना देर रात में दर्ज कराई थी। इस सूचना पे तत्काल समस्त वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के मौके पे पहुंचे थे, और क्राइम ब्रांच स्वाट सर्विलांस टीम के अलावा 3 अन्य टीमों का गठन करके इस पूरे घटना की जांच पड़ताल शुरू की गई। तो 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए, जो मृत बच्ची के परिवार के ही खानदान के ही लोग हैं। इसमें हत्या की मुख्य वजह जो जानकारी में इन लोगों ने पूछताछ में बताई, उसके अनुसार ये एक विनीता नाम की लड़की जो इसके परिवार की थी, उसके गांव के एक लड़के से दोस्ती संबंध रहे थे। उसकी चर्चा मृत बच्ची के पिता ने गांव वालों के सामने की थी, जिसको लेके ये परिवार वाले काफ़ी असंतुष्ट थे और बार बार उनसे विवाद भी किए थे। घटना के 1 हफ्ता पहले भी इनमें आपस में काफ़ी विवाद हुआ था, और फिर गांव वालों के छुड़ाने पर दोनों पक्ष अलग हो गए थे। उस अपमान का बदला लेने के लिए मृत बच्ची के जो चचेरी बहन विनीता, इसके 2 चाचा जो आजीवन कारावास की मर्डर में सजा भुगत चुके हैं, और इस समय हाईकोर्ट से इनकी अपील लंबित है, वो उनके सहयोग से इन्होंने इस बच्ची को कुरकुरे और पापे खिलाने के बहाने पर उनकी दुकान पर अपने बुलाया, और घर में पीछे ले जा के चुपचाप अपने दुपट्टे से उसने गला घूम के हत्या कर दी। बगल में पड़ोस के एक मकान में खंडहरनुमा मकान के सीढ़ियों के नीचे जीने में बोरियों में उसको शव को छुपा के वहाँ से गायब हो गए, और जो पुरुष सदस्य थे वो घर से कासगंज सिरपुरा की तरफ चले गए। जो विनीता और उसका बॉयफ्रेंड था अमन, वो दोनों परिवार वालों के साथ मिलके उनको गुमराह करके पूरे गांव में इधर उधर दिन भर उनके साथ तलाश कराने का नाटक करते रहे। जब पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने पूरी घटना का खुलासा किया कि उस अपमान का बदला लेने के लिए गाँव में जो बेइज्जती हुई थी, उसका बदला लेने के लिए उसने 3 साल की उस बच्ची का दुपट्टे से गला घोंट के हत्या की, और शव को इस तरह से पीछे खंडहरनुमा मकान में वहाँ छुपाया है। पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। घटना में जो दुपट्टा है, जो बोरियाँ हैं जिसमें शव छुपाया गया था, और सामान को सभी बरामद हुए हैं। मृत बच्ची की इनकी निशानदेही पे शव भी बरामद किया गया है। ये सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और NSA के अंतर्गत कार्रवाई कराई जा रही है। यूपी के कन्नौज जिले में 4 पहिया कार व 2 लाख रुपए दहेज न दे पाने पर दहेज लोभियों ने विवाहिता की हत्या कर दी और मौके से फरार भी हो गए। पीड़ित परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पति अजय मिश्रा सहित 7 ससुराली जनों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने IPC की धारा 151 के तहत सभी खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना झिबरामुख कोतवाली के सराफान मोहल्ले की है, जहां मृतिका का विवाह अजय मिश्रा से दान दहेज देकर पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ माह बाद ही दहेज लोभी ससुराली जन मृतिका से कार व 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, और घर के बुजुर्गों के समझाने पर दहेज लोभी कुछ साल तक शांत रहे, लेकिन बीच बीच में दहेज की मांग करके परेशान करते रहे। घटना वाले दिन पति ने फिर दहेज की मांग की, लेकिन मृतिका ने मना कर दिया। तो इस पर दहेज लोभियों ने पहले मृतिका को पीटा और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। देखिए झिबरामऊ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। दिलीप कुमार, कहां पर आए हुए आप? तो कोतवाली झिबरामऊ। क्या मामला क्या है? हमारी बहन के साथ मार डालो। फिर क्या, कैसे जानकारी हुई आपको? मैं उनके पड़ोस में जानकारी दी। कोतवाली में क्या हुआ, सुनवाई नहीं? पशु साहब 4-5 चक्कर लगा चुके, अब कोतवाल साहब ने कही तहरीर बदल दे। वो हमने साहब तहरीर नहीं बदले हैं, जाए लिखाओ आप रिपोर्ट। तो बोले उल्टे फंसी है, तो मेरा फंसी आन दो। तब बड़ा मुश्किल था, जो है CO साथ बात कराई, SP साथ बात कराई, ताकि बात जो है अब कार्रवाई हो रही है, अब FIR लिखी जा रही है। कोतवाली में कब से आप आए हुए हैं? 4-5 चक्कर लगा, सुबह से आए हुए हैं।
अभी तक सुनवाई नहीं, कितने बजे कितने घंटे हो गए? कम से कम मुझे साहब 6-7 घंटा अभी तक सुनवाई नहीं हो रही थी। 3 बज चुके हैं। कहाँ से शादी हुई थी आपकी बेटी? कब सकरावा से। कब हुई थी? 2008 में। जय शिवराम। क्या नाम था बेटी का? पूनम मिश्रा। ससुराल जिन्होंने आत्महत्या की, क्या? देखिए, रात्रि 3 बजे करीबन मैं विष्णुगढ़ के चेकिंग कर रहा था, तो उस टाइम पर फ़ोन आया कंट्रोल रूम से कि किसी महिला की मौत हो गई है सराफा मोहल्ला छिबरा मऊ। इस सूचना पर मेरे द्वारा इंस्पेक्टर छिबरा मऊ को तत्काल मौके पर पहुंच करके जानकारी हासिल करने के लिए आदेशित किया। जांच करने के बाद थोड़ी देर बाद छिबरा मऊ इंस्पेक्टर द्वारा मुझे बताया गया कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40-42 साल और शादी के करीबन 12 साल हो चुके हैं अपने ससुराल, जो कि ससुराल पड़ता है छिबरा मऊ में, इसकी मौत हो गई। मृतक का मायका ये सौरिक क्षेत्र के सकरावा क्षेत्र में कहीं पड़ता है, और जैसा कि आपने बताया कि लड़की वाले उस चीज़ पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये सब चीज़ें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लगेंगी, और इसके लिए तहरीर का मेरे ख्याल से अभी प्राप्त नहीं हुई है, और जैसे ही तहरीर वगैरह प्राप्त हो जाएगी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के थाना सोरो शुकर क्षेत्र से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कासगंज के सभी पदाधिकारीगण तथा कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सोरो में गंगा तट हरि की पैड़ी स्थित गंगा मंदिर पर विधि विधान से श्री गंगा जल एवं पवित्र शुकर क्षेत्र रज का पूजन किया, जिसमें मुख्य यजमानों में विनयराज पन्नू, विभाग मंत्री जगदीश प्रसाद बिरथरे, जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष ललित मोहन, कुलश्रेष्ठ जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार साहू, जिला उपाध्यक्ष कालीचरण माफीदार, जिला उपाध्यक्ष सुखबीर सिंह, एडवोकेट जिला मंत्री आदि ने पूजन कर गंगाजल और पवित्र शुकर क्षेत्र रज की आरती उतारी। प्रसाद वितरण हुआ, पूजन पंडित नरेंद्र बरवारिया जी ने कराया, और इस पवित्र कार्यक्रम में शिव बैंदेले, डॉक्टर संतावना पराशर, मोहिनी सिंह, अनुराग तिवारी, देवेंद्र सिंह पुंडीर, रामेश्वर दयाल महेरे, जिला संयोजक विक्रम सिंह सिसोदिया, संजय शर्मा, कमला प्रसाद वेदव्रत, गौरव चौहान, जिला मीडिया प्रभारी अखिल पुंडीर आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। किया आज हमने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए सभी जिलों से, देश से, पवित्र स्थानों से रज और नदियां और हमारी सबसे प्रसिद्ध गंगा जल, गंगा नदी का जल हम अपने जिला से, जो हमारा शोरों जी तुलसीदास जी का जन्म स्थान भी है और 12 भगवान ने यहाँ जन्म लिया था, अवतार लिया था, तो यहाँ पे सबसे पवित्र पूरे देश में माना जाता है। यहाँ से शुकर क्षेत्र की रज मिट्टी और पवित्र गंगा जल हम अपने श्री राम भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए वहाँ भेज रहे हैं, और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत से अनुसार हम सभी जिलों से जहाँ जहाँ प्रसिद्ध स्थान हैं, जहाँ जहाँ हमारे देवताओं ने अपने अपने अवतार और प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहाँ से रज और गंगा जल, नदियों का जल वहाँ जा रहा है, उससे हमारे भगवान राम भव्य मंदिर का निर्माण होगा। इस उपलक्ष्य में हमने यहाँ से रज और गंगा जल ये सभी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष जगदीश प्रसाद बिरथरे जी के साथ पूरी टीम ने आज महंत जी से सोरों जी में लिया है, ग्रहण किया है, उसे हम 5 तारीख से पहले ही वहाँ पहुँचाएँगे।
उस कार्यक्रम में हमारे विभाग मंत्री विनयराज जी पन्नू, जिला उपाध्याय ललित कुलसेठ, जिला मीडिया प्रभारी अखिल पुंडीर जी और जिला उपाध्यक्ष प्रमोद साहू जी और बहन दुर्गा वाहिनी की सांत्वना जी और मोहिनी सिंह जी एडवोकेट, सभी लोगों ने वहाँ जाकर, जिला संयोजक विक्रम जी ने जाकर सभी लोगों से ये रज और पूरा कार्यक्रम किया है। उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज के थाना कासगंज में आज बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समस्त कर्मचारियों के कोविड 19 के सैंपल लिए गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती अंजलि अग्रवाल ने बताया कि आज उनके कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम के नेतृत्व में सैंपल लिए गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि 35 कर्मचारियों के कोविड 19 के सैंपल लिए गए हैं और जिससे कोरोना महामारी आगे न फैले। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। चिकित्सा अधिकारी मैडम का उन्होंने एक शेड्यूल निर्धारित किया हुआ है, उसके अंतर्गत जो है वो आज के दिन बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी सैंपलिंग की जानी थी। उसी के तहत उनकी टीम आई हुई है जिसने हमारे ऑफिस में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के कोविड 19 के अंतर्गत सैंपल लिए हैं। ऐसे 35 कर्मचारी हैं जिनके सैंपल लिए गए हैं। अब बाद में जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। विधानसभा क्षेत्र हंडिया के ग्राम सभा असवा दाऊदपुर में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जिलाध्यक्ष के आवास पर पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तैयार की और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में पार्टी के आगामी संगठन को मजबूत बनाने के लिए विशाल साहनी को प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस स्तर पर जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा दिलीप कुमार गौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर एकलव्य समाज सेवा ट्रस्ट, विशाल साहनी नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष, श्यामपति बिंद राष्ट्रीय सलाहकार, शिव मिलन मंगल अध्यक्ष प्रयागराज, बिहारी लाल केवट राष्ट्रीय प्रवक्ता, चौधरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, मौजी लाल राष्ट्रीय सचिव, मदन चंद जिलाध्यक्ष प्रयागराज, महेंद्र कुमार बिंद भदोही, गजराज रामजीत, बद्री प्रसाद करवाना, जय प्रकाश बिंद, शैलेंद्र कुमार मोहनलाल नगर अध्यक्ष फूलपुर वंश बहादुर, शिवशंकर, दिनेश शर्मा, राकेश कुमार जायसवाल, सोनू खान, संतोष कुमार पाल, अशरफी लाल, हरिशंकर, अवधेश कुमार, ओम प्रकाश, विजय शंकर, हाकिम लाल, गंगाराम, ब्रिजेश कुमार, प्रेमचंद आदि लोग मौजूद रहे। आप एकलव्य सेना के संस्थापक, वीर एकलव्य समाज सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हैं। तो आपने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में आने का मन क्यों बनाया, क्या ऐसा दिखा आप में? देखिए, मानव धर्म की स्थापना, मानवीय मूल्यों की सुरक्षा करना हर मानव का कर्तव्य है और मानव धर्म की स्थापना के लिए, मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए माननीय प्रेमचंद बिंद जी संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ खड़े हो रहे हैं और इनको उठाने का काम मैं प्रारंभ करूँगा। आपका परिचय? डॉक्टर दिलीप कुमार गौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक वीर एकलव्य समाज सेवा ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारती कहार महासभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद बिंद कहार कश्यप एकता महासभा। आज आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं तो ये किस मकसद से इकट्ठे हुए हैं? आज हम लोग प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में यहाँ पर विचार मंथन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों के विचार मंथन का विषय यह है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के माध्यम से संपूर्ण भारत में समानता व मानवता लाने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इस आंदोलन को लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया जाए। हम लोग यह चाहते हैं कि भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वह किसी भी जाति धर्म वर्ग समाज के लोग हैं, सभी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले,
इस देश में जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं, इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। ये राष्ट्र की मुख्य धारा में तभी शामिल होंगे जबकि इनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया जाएगा, अनिवार्य रूप से इनके लिए रोज़गार की व्यवस्था होगी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, रोजी रोटी हो, धन धरती रोजगार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले। सत्ता और पूंजी का आज विकेंद्रीकरण कुछ मुट्ठी भर हाथों तक रह गया है। हम लोग सत्ता और पूंजी का विकेंद्रीकरण आम आदमी तक करना चाहते हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत संगठन की ज़रूरत है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर मंथन कर रहे हैं और इस कड़ी में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की जो जनवादी व मानववादी विचारधारा है, इसको जन जन तक ले जाने के लिए रणनीति बनाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए जन सत्याग्रह आंदोलन पहले से ही चला रही है, इस आंदोलन को तेज करने की आज रणनीति बनाएगी। ठीक है, ठीक है। और आज हमारे साथ में समाज के जुझारू साथी लोग, जो कि समाज के हक अधिकार सम्मान के लिए मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, ऐसे साथी भी आज पार्टी की सदस्यता लेंगे, जिनको पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया जाएगा। इस कड़ी में हम लोगों के बीच में भाई श्री विशाल साहनी जी प्रयागराज की धरती से यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों के बीच में एकलव्य सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप गौड़ जी भी हैं और भी होनहार युवा साथी आज हमारे बीच में यहाँ पर इकट्ठा हैं। उन साथियों को भी पार्टी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे करके इस कारवा, इस मिशन को लक्ष्य तक पहुँचाने का कार्य करेगी। जी भाई साहब, आज आपने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में सदस्यता हासिल, आप इसमें सम्मिलित हुए हैं, तो इसके पहले आप किस पार्टी में थे और क्यों आप इस पार्टी में सम्मिलित होना चाहते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि सिद्धांतों के साथ मैंने कभी समझौता नहीं किया है, सिद्धांतों के तहत ही जिया हूँ। अभी मेरी उम्र इतनी बड़ी नहीं कि मैं 10-20 पार्टियों से छोड़ के आया हूँ या किसी पार्टी में गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे माननीय डॉक्टर साहब प्रेमचंद बिंद जी के सिद्धांत समाज को प्रेरित करने के हैं। आज समाज जिस दुख से पीड़ित है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए हमारे माननीय जी ने जो कदम उठाया है, उनके कदमों को मैं सहारा देना, उनके कंधों को मजबूत करने के लिए पार्टी से आज जुड़ रहा हूं और पार्टी की मुहिम को आगे पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए मैं शपथबद्ध हूं आज से, और मैं पूरी पार्टी की नीतों को पूरे प्रदेश में फैलाऊंगा। और कुछ आपका परिचय? मैं विशाल साहनी इलाहाबाद की धरती से, और अभी तक व्यापार की श्रेणी में मैं लगातार संघर्ष करता रहा हूं, लेकिन समाज की पीड़ा को देखते हुए आज माननीय डॉक्टर साहब के आदेश के अनुसार मैं समाज की पीड़ा को कम करने के लिए, आज सबसे बड़ी पीड़ा है कि हमारा प्रवासी भाई जो बाहर से आकर के बेरोजगारी के कगार पर बैठा हुआ है, आज दाने दाने को मोहताज हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपये की योजना का जो शुरुआत किया, मुझे नहीं लगता कि वो जमीनी स्तर पर कहीं पहुँची है। अगर बैंकों से लोन की बात कर लीजिए, तो जब तक बैंक मैनेजर से कोई सेटिंग ना हो या उसको घूस ना दिया जाए, बैंक मैनेजर लोन देने के लिए तैयार नहीं है, व्यापार शुरू हो नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज सबसे ज़्यादा दबा हुआ, कुचला हुआ, परेशान समाज है। मैं तो आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये संदेश जन जन तक देना चाहता हूँ कि जो सरकार के द्वारा योजनाएं जो लागू की गई हैं, उसको ज़मीनी स्तर पर ला करके उसको पूरा करें। माननीय मोदी जी देश के शीर्ष की गद्दी पर बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने जो वचन कहे हैं उसका लाभ सब लोगों को मिले, नहीं तो वो ये नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। हम लोगों ने अगर कमर कस ली तो उनको धरातल पे ला करके पटकेंगे। तो थे अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।